अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही हम करने जा रहे हैं फ़न पे, जो कि है पेज नंबर, इट्स ऑन पेज नंबर 113, यानी कि 113 पेज नंबर। आप लोग भी ओपन कर लीजिए और आते हैं हम जी फ़न पेज पर। फ़न पेज पर क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, मेक अ कॉटन रील कार। यू विल नीड अ कॉटन रील, यानी कि कॉटन का रोल चाहिए, अ स्मॉल स्टिक, एक स्टिक चाहिए छोटी, सम टेप, कुछ टेप चाहिए, लॉन्ग स्टिकर स्टिक, एक लंबी लकड़ी चाहिए, एन इलास्टिक बैंड, और एक इलास्टिक बैंड चाहिए, यानी कि रबड़ का कोई बैंड, कोई पोनी ले लीजिए रबड़ वाली। पुट द इलास्टिक बैंड थ्रू द मिडल ऑफ द कॉटन रील, श्योर इट इट एट वन यूजिंग एंड यूजिंग द स्मॉल स्टिक एंड सम टेप। प्लेस द लॉन्गर स्टिक थ्रू द अदर एंड ऑफ द इलास्टिक बैंड, टर्न द लॉन्गर स्टिक टू द ट्विस्ट ऑफ द इलास्टिक बैंड। यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो जो आपके पास कॉटन रील है उसको पुट करना है, उसके बाद आपने स्टिक्स की मदद से उसको फिर स्टिक्स लगानी है उसके अंदर, फिर थ्रेड से टाई कर देना है, और फिर आगे इलास्टिक बैंडेज लगा देना है, यानी कि इलास्टिक बैंड लगा देना है। तो आपका वो क्या तैयार हो जाएगा, आपके पास कॉटन रील कार तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे भी नहीं आता होता, फिर भी आप लोगों का शौक हो रहा तो आप लोग कर सकते हैं। सिट डाउन एंड वॉच इट रोल। अब आप बैठिए और देखिए किस तरह से रोल होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू है, फाइंड 14 वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट ऑफ द हीट ऑफ इन द ग्रिड ब्लो। आपने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने बताने हैं कि इससे क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या शुरू होता है, हीट के यूनिट्स बताने हैं। सबसे पहले ये जिसमें नहीं मिल रहा था बी वाला, सबसे पहले आ जाते हैं हम सी वाले पर, यानी कि आपने इसमें से वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, जिसमें सेल्सियस होता है, और एफ़ से हमारे पास फॉरेनहाइट हो जाता है, उसके बाद हम आ जाते हैं एल से हमारे पास लेबॉरेटरी हो जाता है, पी से कुछ मुझे मिल गए थे, कुछ नहीं मिल रहे थे, पी से पार्टिकल हो जाता है, और फिर टी से थर्मामीटर, ठीक है, जिससे आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता है कि आपको कितना टेम्परेचर हुआ हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 114 पर। पेज नंबर 114 पे है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। आप नॉइज पोल्यूशन को, यानी कि जो शोर की आलूदगी है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, कुछ आपने कुछ बताना है कि किस किस तरह से आप कम कर सकते हैं। तो इसका जी आंसर ये है, टर्न ऑफ अप्लायंसेस एट होम एंड ऑफिसेस, यानी कि आप जितने भी आपके पास अप्लायंसेस हैं, या चाहे वो स्विच बोर्ड्स हैं, चाहे वो लाइट्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक के लिए हैं, ठीक है, चाहे वो डेस्क हैं, उनको बंद कर दीजिए घर के अंदर, ऑफिसेस के अंदर। यूज़ ईयर प्लग्स, यानी कि आपने हेडफोन्स लगाने हैं, ईयरफोन्स लगाने हैं कोई भी चीज़ सुनते वक्त। स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी एरिया, जहाँ पर शोर हो वहाँ से दूर रहें। शट द डोर व्हेन यूजिंग अ नॉइजी मशीन, और दरवाजे को बंद कर लें जब आप कोई ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हों जिससे नॉइज प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास, लुक एट द पिक्चर बिलो। इन पिक्चर्स, इस पिक्चर को देखें आप, हाउ मैनी काइंड ऑफ नॉइज पोल्यूशन कैन यू फाइंड इट इन इट। आपको कितनी तरह की नॉइज पोल्यूशन आप देख रहे हैं, मैं मुझे तो दो टाइप की नज़र आई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, जिसका आंसर है। ठीक हो गया जी, तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और अगर आप लोग इसको फाइंड आउट कर लें, इधर इस वाले को फाइंड आउट कर लें जो मेरे पास वर्ड्स रह गए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि बाकियों के भी में इजाफा हो जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।